Yeah!
अरे लत कुछ है तुम तो मार खाने वाला काम तुम करते हो। सिंहासन जिस प्रकार से महाराज कहते लगाने की उस प्रकार से तुमको लगाना चाहिए। आइए महाराज पधारिए, पधारिए महाराज, स्थान ग्रहण कर लीजिए महाराज। पकड़ करके रखो, पकड़ो साई से। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ तुम्हारा जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चल पकड़ सिंहासन, पकड़ भैया, बैठिए बैठिए। मंत्री महाराज इतना मोटा था इसलिए खुशी जो हमने दिख गया। सही बात है, असली का सिंहासन है उतना क्यों खा लेते हैं महाराज जी? अरे क्या हाल है, क्या हाल है, कौन हाल चल रहा है? सुनिए जी, चल पंखा लगा मेरा। जो मैं प्रश्न मैं करता हूँ तो उस प्रश्न में तुम्हें उत्तर देना पड़ जाएगा, समझ गए ना? जी तो पंखा तो लगे, देखिए जहाँ तो ना लगे। महाराज जी अरे क्या है बोलो महाराज, क्या महाराज, क्या महाराज, तुम क्या कर बोलने के लिए तुम? अरे महाराज पंखा लगे थे ना, हवा लगे थे ना। हाँ पंखा ठीक महाराज, ये मैं कह रहा हूँ अपने राज दरबार में कि महाराज वाज आपकी नामों से दो ठो महिलाएं आई है। और महाराज हाँ हाँ महाराज, और उन्होंने बता रही है कि मेरे नाम है जत्थुआ और बच्चिया। जाकर के द्वार पर बोलो महाराज से कि जत्थुआ बच्चिया आ चुके हैं, जरा महाराज को जाकर के तुम बताओ। महाराज कहते हैं जब दुआ बच्चियों को बुला कर के लाओ दरबार, उन्हें बोल देना जी महाराज दरबार बुला रहे हैं, सिंहासन नहीं बैठे हुए महाराज, हम दादे खबर देते हैं महाराज, बुला कर के लाओ। चलो आज बच्चे दरबार बुला रहे हैं जब दुआ बच्चियों को बुलाने के लिए, कहते हैं जब दुआ बच्चिया महाराज महाराज जी बोले कुछ जदुआ बच्चिया एक मिनट सुनो जी, बस महाराज से क्या कार्य है और तुम्हें महाराज बुला रहे हैं राज दरबार, और चलो महाराज से ठीक है जल्दी चल 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 हमारा साथ चल 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 चलो चलो जल्दी चलो चल। ये ही जदुआ बच्चिया है महाराज, महाराज जदुआ बच्चिया दौड़ो बाहर,
और दसों हाथ जोड़ करके महाराज को प्रणाम करती है, कहती महाराज आओ दसना Yeah!
वह दीनाराम क्या अपना को वह भगवान समझ गया है और उनके पिता श्री मेरे राज में रहते हैं, मेरे राज की अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, नमक खाते हैं और वो नमक हराम हो गया है। सुनिए महाराज, अगर आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं तो मैं सोच लेती हूँ। इसलिए महाराज कि स्वयं आपको मालूम है कि मैं जादूगीर हूँ, मैं जादू की बल से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किंतु हे महाराज मेरे प्रश्न को सुनिए। वह तुम आपको वह देखने के लिए नहीं देंगे, वह हाथ लगने के लिए नहीं देंगे, बहुत चतुर पड़ते हैं महाराज। वह दीनाराम दोनों बहुत चतुर है, इसलिए कि आप उनकी बारे में आप बातें आप कर चुके हैं, ना जाने कैसे उनको मालूम हो जाता है कि कोई उनकी सीआईडी रहता है, उनको मालूम कर देते हैं महाराज। और वह मालूम होने के बाद वह जगह हुआ परेशान कर देते हैं, कहते हैं सेवा जदवा बचिया वैसी बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ तुम क्या तुम कहने के लिए तुम चाहती। जदवा बचिया कहती है सुनिए महाराज, अगर उनसे आपको प्रतिशोध लेना है तो आप सभा लगा दीजिए महाराज, हर सभा में पीरा पान रख दीजिए, वह पीरा पान में आप चैलेंज कर दीजिए, कौन से चैलेंज, ऐसा चैलेंज कर दीजिए कि उनको मालूम होने के बाद जिस प्रकार से सनकल हुआ कुत्ते नहीं चलते उस प्रकार से सनक जाएगा आपके दरवाजे पर वह सब उपस्थित हो जाएगा महाराज। और आपको जो आपको इच्छा हो करने का उनकी कर लेना। जाते हैं सच कहते हैं जदुआ बचिया तुमने सत है, मैं पीला पान अवश्य में रखूंगा, मैं सभा की आयोजन मैं अवश्य में रखूंगा। कहते द्वारपालो महाराज जी शाल को फल का व्यवस्था करके लाओ, आज मैं उनके नामों से आज पीला पान में रखूंगा। अरे कहते महाराज पहले सुन लीजिए, ऐसे बिना पान नहीं रख दीजिए तो जदुआ बच्चा क्या करेंगे। कहते जो मैं आपकी बात में बता रही हूँ महाराज, तभी वह दुश्मन साध लेंगे। उस दुश्मन को इस प्रकार से साध दीजिए महाराज कि महाराज उनके नाम संसार से उनकी मिट जाना चाहिए, उनके नाम साफ कर देंगे, उनकी पत्ता को मैं उनकी खंडार को मैं साफ कर देंगे। कहते महाराज सुनिए, पीरापान जो आप रखते हैं किस प्रकार से चैलेंज, किस प्रकार से आप इस प्रकार से बोलिए, अगर कोई ऐसा यह संसार में माई का लाल हो। ठीक है महाराज, पान उठाएंगे और सिद्ध कमल दाह से कमल का फूल तोड़ करके मुझे ला देंगे महाराज। सिद्ध कमल दाह के बारे में आपको मालूम है, मैं बता रही हूं वह सिद्ध कमल दाह पंक्ति विषय भगवती का वह बगान है।
और फूल फूल पर पत्ता पत्ता पर वापिस है राज को निर्माण की हुई है। उतने नहीं महाराज, सिंध कमल दह का जो जल पानी है वह जहर बन चुके हैं और उनके सिंध कमल दह के सामने अगर 20 किलोमीटर पक्षी इन करते हैं पूरब से पश्चिम और वह बीख की तपान से वह पक्षी गिर जाती है सिंध कमल दह। महाराज वो जाएंगे फूल तोड़ने के लिए, नाग उनको नोच नोच करके खा जाएंगे, इसी जगह वह समाप्त हो जाएगा महाराज। अरे राजा भीमसेन महाराज कहते बहुत अच्छा की मार्ग है, ना रहे की बस ना बाजे की बस। ठीक है जदुआ बच्चिया, सच तुमने बताई है, क्या है द्वार पर? जी महाराज जी, चल फल उठा कर खिलाओ, अभी लाता हूँ महाराज जी। दुश्मन को मैं लपड़ी से स्वागत इतना खड़ा मैं करूंगा कि उनकी चलने का लाभ क्या रहे अपना से। अरे राजा पीड़ा पान रखते हैं सभा में पान